What is up guys, welcome back to another episode of Drop In Pad. इसमें हम बात करने वाले इंसेंट फैक्ट्स के बारे में, क्लास ऑफ क्लांस के बारे में, जो आप लोगों को पता नहीं होगा. आई नो कुछ पता होगा कुछ नहीं पता होगा यार, वीडियो को काफी इंटरेस्टिंग होने वाली. मेक श्योर उससे पहले चैनल पर अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू वाला बेल आइकन लगा दो, वीडियो पर लाइक दो, जितना उसके उतना शेयर कर दो. फेस कैम भाई प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आएगी 10K पे लगभग 2-3 दिन में आ ही जाएगी यार, 10K पूरे होने वाले हैं. उसके साथ मैं क्यू एन ए करूँगा. मुझे लगा नॉर्मल फेस कैम अच्छा नहीं रहेगा इसके, इसलिए मैंने जो क्यू एन ए है ना भाई, उसकी मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा. तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर देना, उसमें जो भी क्वेश्चन है पूछ लेना, उसमें से जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन होंगे लाइक लगभग टॉप 10 क्वेश्चन, वो मैं आपको आंसर दूंगा. और फिर उसके बाद फेस कैम, बस फेस रियल. चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले इंसेंट फैक्ट्स में 8 इंसेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ. नंबर वन जो है भाई, वो टिपिकली टू मच लाइक मान इन माइंड ब्लोइंग बोल सकते हो. ओके, यहाँ पर 5 आईपैड्स एट वंस, मतलब टाइटल बोला मैंने. मतलब भाई एक बंदा है जो 5 आईपैड को एक साथ इस्तेमाल करता है क्लास ऑफ क्लांस के लिए. ओके, इसका नाम है जॉर्ज याओ. आई नो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गई होगी, नाम ही ऐसा भाई क्या करे. जॉर्ज याओ नाम है, ये एक टॉप रैंक प्लेयर है. अभी का नहीं है, ये 2015 या 16 के बाद है. ये जो अभी का जो टॉपर है ना भाई, वो ऐसा नहीं करता. अभी कुछ अलग मैटर से काम करती है, अब लोगों को पता है किससे काम करती है, मैं ज़रा एक्सप्लेन नहीं करूँगा. तो भाई जॉर्ज याओ नाम है, एक टॉप रैंक प्लेयर था 2015-16 में. इसने अपने लगभग 6 महीने ना क्लास ऑफ क्लांस खेलते हुए ट्रॉफी पुशिंग में इन्वेस्ट किया. मतलब 6 महीने लगातार इसने क्लास ऑफ क्लांस खेला, और मतलब 5 आईपैड पर, मतलब 6 महीने इसने खेला 5 आईपैड के ऊपर, और सभी को एक साथ खेला. समझ रहे हो, मतलब 5 आईपैड पर खेला, एक साथ खेल रहा है गेम. ये बंदा ये है. और इसका ये भी था, ये अपना आईपैड को भाई शावर में भी ले जाता था, मतलब नहाने का टाइम भी भाई शावर में ले जाता था. भाई तुम लोग पूछोगे भाई कैसे ले गया, तो भाई ले जाने के लिए तरीका बहुत सारे है भाई. वो प्लास्टिक रैप करके ले जाता था, क्लैश ऑफ क्लांस खेलता था, मतलब शावर में भी. जब यार ट्रॉफी, जब लेजेंड लीग नहीं हुआ करती तब की बात है. तो भाई इस टाइप के बंदे को क्या बोल सकते हो तुम लोग. इसने लगभग $250 ओके टू रुपीज़ नहीं है, $250 एक हफ्ते में इन्वेस्ट करता था गेम में, जब ये पुशिंग करता था लगभग 6 महीने के लिए. और ये एक फायर वर्कर था, मतलब मालूम है ना, मतलब ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट था US का, और ये एक फायर, मतलब फायर डिपार्टमेंट में था, जो फायर इमरजेंसी बोलते हैं ना भाई, उस टाइप में थे. तो भाई $250 मतलब हाफ महीने में लगभग $1,000 ये इन्वेस्ट कर देता था गेम में. भाई इतनी अर्निंग कितनी होती थी इसकी जो ये इतने इन्वेस्ट करता था. नेक्स्ट बारे बंदे को सोचेगा ना भाई, ये इससे भी टू मच है. X7 है, ओके वो X7 है, वो हमारा, मतलब ये ऑलमोस्ट $7,000 इन्वेस्ट करता है हर महीने. ये बंदा का नाम है पांडा, जो पबजी खेलता है वो पांडा नहीं है, ये क्लैश ऑफ क्लैंस का पांडा. ये भी 2015 या 16 में जब टॉप प्लेयर था तब की बात है, मतलब ये टॉप 10 में रहा करता था, टॉप 1 में नहीं था बट टॉप में रहता था. जो टॉप में था वो मैं जॉर्ज याओ बताया आपको. और ये जो बंदा है पांडा, ये 1 और 10 के बीच में रहा करता था कहीं पर. और इसने एक वायर जो एक वेबसाइट है उसको अपना इंटरव्यू दिया था, और उसने कहा था कि लगभग ये एटलीस्ट $7,000 एक महीने में इन्वेस्ट करता है. इसने बोला ये जो $7,000 इन्वेस्ट कर रहा है ना, ये इसका सिर्फ 60% इनकम है अपने अर्निंग के हिसाब से. मतलब ये महीने में कितने कमाता है, मतलब $1,00,000 कमाता है भाई. $1,00,000 से ये $7,000 इन्वेस्ट करता है. तो भाई इतना कमाते हैं तो भाई इतना क्यों नहीं कर सकते. इट्स नॉर्मल फॉर हिम भाई, उसके लिए नॉर्मल, बट हमारे लिए, हम तो भाई 100,000 रुपये कमाते हैं, हम अपना गेम में 50% इन्वेस्ट कर देते हैं, 450 का गोल पास. ओके, तो भाई इसके लिए नॉर्मल बात है. नेक्स्ट भाई पीका का बारे में. ओके, सब लोग सोच रहे हैं पीके का फुल फॉर्म क्या है. अभी जो रिसेंटली सेंसेशनल 6 आई थी, सब लोग सोच रहे भाई सेंसेशनल 6 आई है, पीका क्या गर्ल है. भाई यस गर्ल है. काफ़ी लोग ये भी बोल रहे थे कि हिरेंटा गर्ल है, यस वो भी गर्ल है, बट बात ये आती पीका की फुल फॉर्म क्या है, वो गर्ल कैसे है. तो भाई देखो, पीका नॉर्मली क्लैश ऑफ क्लांस ने वाले पीका नाम लिखा था, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं था. ओके, नॉर्मली लिखा था, बाद में उन्होंने फेसबुक में एक पोस्ट किया था कि पीका की फुल फॉर्म जानने के लिए, तो उन्होंने फेसबुक में एक पोस्ट किया बैक इन 2012 में, जहाँ पे मतलब फेसबुक में एक कंटेस्ट किया गया. ओके, सबसे बेस्ट नाम तुम लोग बताओ पीका का फुल फॉर्म क्या हो सकता है. तो एक बंदे का उन्होंने सेलेक्ट किया, जो विनर था उसका नाम क्या मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना. परफेक्ट एनरेज नाइट क्लियर ऑफ सेशन, मतलब परफेक्ट एनरेज नाइट क्लियर ऑफ सेशन, ये पीका का फुल फॉर्म है, ये ऑफिशियल फुल फॉर्म है. ओके, वाले ने उस बंदे को अवार्ड भी दिया था इस नाम को लेने के लिए, तो भाई मानना पड़ेगा ना. तो भाई यही पीका के बारे में. नेक्स्ट है भरा हमारा एक गेम के बारे में, मतलब जो क्लैश ऑफ क्लैंस खेल रहे हैं तुम लोग क्या लगता है भाई, ये काफ़ी यूनिक गेम है. भाई ऐसा नहीं है, इससे भी पहले काफ़ी मोस्ट इस टाइप की गेम्स थी, वहीं से क्लैश ऑफ क्लैंस इंस्पायर हुआ. आई नो जो क्लैश ऑफ क्लैंस के फैन है वो मुझे हेट कर रहे हो, करोगे भाई, बोले हो कि भाई क्या बोल रहे हैं यार, क्लैश ऑफ क्लैंस यूनिक है. यस ब्रदर इट्स यूनिक, बट कुछ चीज़ें कुछ गेम से ली गई है इस क्लैश ऑफ क्लैंस को बनाने के लिए, तुम लोगों को पता नहीं है. तो स्टारक्राफ्ट एक गेम है और एज ऑफ एम्पायर गेम है, इन दोनों से कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली गई है, और उन गेम में कुछ मैजिक्स ऐड करके क्लैश ऑफ क्लैंस बना हुआ है.
नॉर्मल मैजिक नहीं कोडिंग वाली मैजिक मिला के उन्होंने बनाया था। और एज ऑफ एम्पायर 2 ना काफ़ी लोगों का स्टिल फेवरेट है, मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस से भी ज़्यादा पॉपुलर गेम है वो। और आई डोंट नो अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट 2 को ज़्यादा माना जाता है। बस यही है, मतलब क्लैश ऑफ क्लैंस में कुछ स्पेल्स डाल ली गई है ताकि ये और इंटरेस्टिंग हो सके, बस यही बात है। और नेक्स्ट चीज़ ये कि क्लैश ऑफ क्लैंस में आप अपने अकाउंट्स को सेल कर सकते हो, पता है ऑनलाइन। आई नो काफ़ी लोगों को पता है, किसी को पता नहीं है, बट सोच रहे हो भाई कैसे से। ऑब्वियसली मैं तो नहीं बताने वाला नहीं हूँ भाई कि आप इस वेबसाइट पे जाके सेल करो, बट लगभग जो जिसके टाउनल 13 मैक्स है ना, मैक्स आउट है टाउनल 13, और जिसके इतने जेम्स भी नहीं, 1000-2000 जेम्स भी है ना भाई, चलेगा, हीरोज मैक्स आउट है, सारी चीज़ मैक्स आउट है ना, तुमको लगभग $200 मिल सकता है, मतलब 14,000 रुपीज़ के करीब तुम्हें मिल सकता है अपने अकाउंट अगर सेल करोगे तो। बट स्टिल डोंट फॉल विद दिस गाइस, मतलब सेल कर सकते हो, बट बाई करने वाला बंदों के लिए भाई काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है। अगर बाई करते हो भाई कभी भी तुम्हारे अकाउंट बैन हो सकते हैं, मतलब पैसे तो गए गए, अकाउंट भी गया भाई। और जिस अकाउंट में ज़्यादा जेम्स हो ना, वो अकाउंट कभी बाई मत करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी लोग डार्क वेब से स्टोलन क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं और अपने गेम में करेंसी बाई कर लेते हैं जो जेम्स हैं, और उनको सेल कर देते हैं, और फिर उनको पता नहीं चलता भाई किसने परचेस किया, बट जिस बंदे ने उस अकाउंट को एक्टिवेट किया, अपने फ़ोन में लॉगिन किया, तो उन गवर्नमेंट को पता चल जाता है या पुलिस जो भी अथॉरिटीज़ होती है ना कि भाई इस बंदे का अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हुआ है गेम का, तो मतलब उस बंदे ने ही क्रेडिट कार्ड चोरी किया है, तो भाई ट्रबल में पड़ सकते हो। तो आई नो बच सकते हो, बाद में तुमने रीज़न बताया था, बट फिर भी ये सब चीज़ें मत पढ़ना, कभी भी अपने ऑनलाइन अकाउंट्स बाय मत करना। सेल में भाई चलता है, हमें मिल रहा है बस, लेकिन बाय में डोंट फॉर दिस। नेक्स्ट है भाई, अगर तुम लोग अभी अगर टाउन हॉल 1 स्टार्ट करते हो ना, मतलब मान लो टाउन हॉल 1 से लेके तुम टाउन हॉल 13 को मैक्स आउट करते हो, तो कितना जंप्स लग गया तुम लोगों को पता है? मतलब बता देता हूँ, टाउन हॉल 1 से और 11 तक अगर करते हो, तुम जेम करते रहते हो, जेम करते रहते हो, तुम्हें थोड़ा भी टाइम वो नहीं करना है, लगभग $22,000 लगेंगे। $22,000 कितना होता है, 16 लाख रुपये लगेंगे भाई जेम करने में। और अगर 12 से 13 में जाओगे तो लगभग तुम्हारा $50,000 लगेगा, मतलब सोच लो भाई, डबल लगभग $40,000 लग सकता है आपको, 14 लाख रुपीज़ लग सकता है, 40 लाख रुपीज़ भाई, इतना रुपीज़ कौन इन्वेस्ट करेगा एक दिन में अगर गेम को वो करना चाहते हो तो। उसके बाद आप लोगों को पता है क्लैश ऑफ क्लैंस का एक बेटा वर्जन भी है। आई नो जो बेटा वर्जन उसे बोलते हैं डेवलपर्स वर्जन, हम लोग बोलते हैं, बट जो डेवलपर्स वर्जन वो नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है, लाइक हमारे जैसे बंदे का नहीं है वो, बेसिकली जिसमें आपको उसमें अनलिमिटेड जेम्स होता है, अनलिमिटेड स्पेल्स ले सकते हो, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी इतनी नहीं होती है, अपने बहुत सारी चीज़ें होती है जो सिर्फ डेवलपर्स और जो गेम के डिज़ाइनर्स हैं उनके पास भी वो एक्सेस होता है, हमारे पास नहीं होता है। तो अगर तुम लोग यूज़ करते हो, आई नो काफ़ी लोग मॉड यूज़ करते हैं, तो भाई को अगर पता चलता है तुम्हें बैन कर दिया जाता है। तो भाई ये जो मॉड वाली वर्जन है या फिर डेवलपर या फिर बेटा, ये सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस के चुनिंदा बंदों को दिया जाता है, जो हमें बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। तो भाई हमें बेटा वर्जन नहीं मिल पाता है, ये बात है। नेक्स्ट है भाई, आपको पता है भाई क्लैश ऑफ क्लैंस में के दिन में मतलब मान लो एवरेज बंदे कितने घंटे खेलते हैं, कुछ आइडिया है? तो भाई एक रिसेंट पोल के हिसाब से पता चला है कि 3 से 5 घंटे एक बंदा क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता है, मतलब एक बंदा खेलता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग 4 से 5 घंटे खेलते हैं, मतलब एक बंदा लगभग 3 से 5 घंटे के बीच में खेलता है, ये एवरेज माना जाता है। बस यही सारी फैक्ट्स ही, यहाँ पर मैंने सिर्फ 8 फैक्ट्स बताया, नेक्स्ट वीडियो में ना बहुत सारी फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर चैनल पर बने रहना यार। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यू टॉपिक के साथ, एंड क्यू एन ए वाली वीडियो भी जरूर आने वाली है फेस्किन के साथ। पीस आउट एंड क्लैश ऑन।